रिकॉर्डिंग वीडियो में उसको देगा, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे हमारी वीडियो को देखते होंगे। आज वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, इसका नाम है कृष्णाज शॉकिंग 125 इयर्स ऑन अर्थ। हाँ तो देखते हैं आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और हमें भी अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिए प्लीज, हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, आइए आज आपको भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी पृथ्वी पर हुई लीलाओं की बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन समझाते हैं। मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 20 जुलाई 3228 बीसी की मिडनाइट को भगवान का जन्म हुआ मथुरा नगरी में राजा कंस की जेल में, यानी कि आज से लगभग 5251 वर्ष पूर्व। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 3170। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वे यदुवंश में वृष्णि कुल में वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए, इसलिए वे यदुवंशी और वार्ष्णेय कहलाए। यदुवंश ओरिजिनली सोमदेव यानी कि चंद्र के वंशज हैं, इसलिए भगवान को चंद्रवंशी भी कहा गया। जेल में आकर स्वयं ब्रह्मा शिव जी और अन्य देवताओं ने उनकी स्तुति की। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव कंस के डर से उन्हें ले आए अपने मित्र नंद महाराज के पास गोकुल महावन में, जहां वे शुरू से लेकर 3 वर्ष 4 महीने की आयु तक रहे। सोचिए, सिर्फ 6 दिन की उम्र में नन्हे से कृष्ण ने विशाल कोकना राक्षसी का वध किया। 3.5 मास की आयु में गोकुल में ही गर्ग मुनि ने कुंडली बनाकर उन्हें कृष्ण नाम दिया, यानी कि सर्व आकर्षणीय। यशोदा माता को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन दिए, दामोदर लीला हुई और इसी समय उन्होंने षटकासुर तृणावर्त जैसे राक्षसों का उद्धार किया। लेकिन इतने राक्षसों का प्रकोप देखकर नंद महाराज ने वात्सल्य भाव में कृष्ण की रक्षा के लिए अपना निवास वहां से बदला और वे नन्हे नटखट कृष्ण को वृंदावन ले आए। 3 वर्ष 6 महीने से लेकर 6 वर्ष 8 महीने तक भगवान वृंदावन में रहे और यहीं पर उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए बकासुर अगासुर वत्सासुर जैसे बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया। पहले बछड़े और फिर 5 वर्ष की आयु में गाय चराना सीखा, जिस दिन को हम गोपाष्टमी के नाम से मनाते हैं। वहां से नंदगांव आकर 10 वर्ष 7 महीने की आयु तक वे नंदगांव में रहे, ब्रह्म विमोहन लीला धेनुकासुर का वध और 7 वर्ष की आयु में कालिया पर डांस किया, वस्त्रहरण लीला रासलीला और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अरिष्टासुर केशी व्योमासुर आदि का उद्धार किया। फिर 11 वर्ष की आयु में अक्रूर काका उन्हें मथुरा ले आए, जहां उन्होंने कंस का उद्धार किया और उग्रसेन को राजा बनाया। वहीं कृष्णा का उपनयन संस्कार भी हुआ। फिर दोनों भाई सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में चले गए और सिर्फ 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और फिर से मथुरा आकर 28 वर्ष की आयु तक भगवान ने मथुरा में ही निवास किया। 15 वर्ष से 32 वर्ष तक के बीच में अकेले दोनों भाइयों ने युद्ध लड़कर 17 बार जरासंध को हराया, लेकिन जब भी लड़ाई होती मथुरावासी बहुत टेंशन में आ जाते। भगवान से ये अपने भक्तों की परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने रातों रात द्वारका नगरी बसाई और सबको नींद में ही वहां पर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद 32 वर्ष की आयु से 125 वर्ष तक भगवान ने द्वारका नगरी में ही निवास किया। 32 वर्ष में भगवान ने रुक्मिणी जी का लव लेटर पाकर उन्हें किडनैप करके उनसे विवाह रचाया और अगले ही वर्ष प्रद्युम्न का जन्म हुआ। इंद्रप्रस्थ में भगवान फिर पांडवों से मिले, नरकासुर का वध करके 16,000 रानियों को शरण दी, बाणासुर पौंड्र का काशी राजा को धूल चटाई और नारद मुनि द्वारका आए तो 16,000 कृष्ण के रूप देखकर शॉक हो गए। मगध जाकर भीम ने जरासंध को मारा, फिर राजसूय यज्ञ में भगवान ने भाग लिया, शिशुपाल का अंत किया, अपने बचपन के मित्र सुदामा का पूजन किया, अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह रचाया और खुद मैसेंजर बनके महाभारत का युद्ध रुकवाने गए, पर दुर्योधन नहीं माना। अंततः 90 वर्ष की आयु में संसार को भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान दिया, अर्जुन का रथ चलाकर
पांडवों को जिताया और धर्म की स्थापना की। परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया और अंत में भगवान की ही लीला से यदुवंशियों का विनाश हुआ और 125 वर्ष की आयु में मौसल लीला करके भगवान पुनः गौलोक धाम लौट गए। अंततः द्वापर युग समाप्त हुआ और शुरू हो गया घोर कलयुग। तो ये था शॉर्ट में भगवान कृष्ण का जीवन काल और उनकी अद्भुत लीलाएं। तो ये सब सुन के अब भगवान को आपके और मेरे जैसा एक मनुष्य मत समझना। कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतमयेश्वरम। हालांकि भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे भगवान हैं, सारे विराट जगत के सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। तो भी अनेक मूर्ख लोग हैं जो कृष्णा को एक शक्तिशाली पुरुष के अलावा कुछ नहीं समझते और उनका उपहास करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण रूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः। वे परम ईश्वर हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इन लीलाओं के अलावा आप कौन सी लीलाओं के बारे में जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। हरे कृष्णा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में उन्होंने बताया है हम लोगों को इस वीडियो में कि कृष्णा जी के जो 125 साल के अर्थ पे उन्हें क्या क्या हुआ, कहाँ क्या से किया। और बेसिकली हमें तो ज्यादातर ना इनकी छोटी छोटी स्टोरीज भी वैसे पता है, लेकिन वो जो महाभारत थी उसमें देखा तो उसमें तो काफी ज्यादा इनका रोल आता है और उसमें जो पांडव की ये कितनी ज्यादा मदद करते हैं, उस वो जो स्टोरी है ना इनकी, उस स्टोरी का सारी का ज्यादातर ना पता है कि बहुत ही उनको ये हेल्प करते हैं। पांडव कौरव को भी समझाते हैं कि वो ये जो है ना महाभारत का युद्ध ना करे, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते, वो कहते हैं कि हमने करना ही करना है, जंग होती है। हाँ, मतलब कि उन्होंने रोकने का ट्राई किया था लेकिन फिर मतलब कि कुछ भी हल नहीं निकल रहा था, फिर उन्होंने बोला कि हाँ फिर लड़ाई और वो वहाँ पे वो भी तो सीन मतलब कि आता है कि जब अर्जुन नहीं मान रहा होता ना, अर्जुन को होता है तो फिर वो उसको बताते हैं कि हथियार उठाओ या ना उठाओ, ये युद्ध तो होके रहेगा और ये जो जो भी मतलब यहाँ उनकी मृत्यु होनी है वो होके ही रहेगी। उस टाइम पे उनको ज्ञान दिया था उन्होंने, और सिर्फ उनको ज्ञान नहीं दिया और भी जो भी मतलब दूसरे भी लोग हैं उनको। उसके बाद फिर आई थिंक के मुझे नहीं पता लेकिन रितन में लिखा होगा उनको जो जो उन्होंने मतलब और ये कृष्ण जी की जो बर्थ है इसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इनके जो मामा होते हैं ना कंस, उनको वो पहले ही वो बता देते हैं कि आपकी जो बहन होगी ना उसका शायद पांचवा या सातवां बच्चा होगा, लड़का होगा और वो तुम्हारी हत्या करेगा, तो वो अपनी बहन को ही कैद खाने में हाँ डाल देते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी बहन का कोई भी बच्चा होगा तो उसे मार दूंगा। और कितने ज्यादा बच्चों को वो 6-7 या मार देता था वो बच्चों को, लेकिन फिर एक इनका ये जब कृष्णा जी की बर्थ होती है ना, तो बाद में जो इनके पिता होते हैं उनका कोई दोस्त होता है या दोस्त होते हैं उनके, मतलब कि वो भी तो स्टोरी है ना, वही तो दिखाते हैं कि वो जब होती है तो रास्ते खुद ब खुद ऐसे हाँ, रास्ते वो उसने देखा था ना महाभारत में, ये भी दिखाते हैं कि वो एक नदी में से उन्होंने गुजरना होता है, कोई हाँ हो जाती है तो फिर वहाँ शेष जो नाग है वो भी वहाँ पर आता है उनके ऊपर, वो बड़े भाई होते हैं ना बलराम जी जो है वो बनाए होते हैं, और उनके इनके जो फ्रेंड है फिर उनके यहाँ पर वो जाकर वो मतलब की अपने बच्चे को रखा था और उनका बच्चा होता है वो यहाँ पर ले आते हैं, फिर वो बच्चा मार देता है। हाँ वो शायद उसका बच्चा वो मार देता है उसको लगता है, लेकिन बाद में जब ये कृष्णा जी बड़े हो जाते हैं फिर ये दोबारा जाते हैं वहाँ पर अपने मामा को जाके मार के आते हैं बिल्कुल, और युद्ध होता है उनके साथ भी और उसके बाद वे हरा के आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितने ज्यादा मतलब कि उन्होंने अटैक उनपे हुए थे और कितने ज्यादा राक्षस आए, कितने राक्षसों का मतलब कि वध किया उन्होंने, उनकी भी बहुत ज्यादा स्टोरी है हमें उसपे रिएक्शन बनाना है, लेकिन पता नहीं क्यों रोज याद ही नहीं आता,
लेकिन वो देखते हैं, वो वीडियो ढूंढते हैं और वो वीडियो मिलेगी तो हम लोग वो भी वस्त्रहरण वाला सीन भी जरूर लेकर आएंगे। और वैसे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन वो जो द्वारका वाली वीडियो थी ना, वो द्वारका के बारे में हम लोगों को सुना तो है, हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है, लेकिन रातों रात, समंदर वाला। हाँ हाँ रातों जो रात समंदर से वो उन्होंने मतलब कि एक शहर बनाया, जो लोगों को रात भी रातों रात वहां पर शिफ्ट वहां हो गए, शिफ्ट लोग करके उठे होंगे तो हैरान हो गए होंगे कि हम हम लोग नई जगह पर लोग, किस तरह से पहुंच हाँ, गए यहाँ। क्योंकि वो बोल रहे कि वो जहाँ पर मथुरा में आई थिंक रहते थे, वहां पर मथुरा, अटैक बार बार ना इनके हो मामा रहे की थे। तरफ से ही वो ना नहीं जरासंध की से, वो कौन था वो भी एक राक्षस ही था। मुझे नहीं, उसका नहीं पता है इसका ऐसी ज्यादा, ही स्टोरीज हैं लेकिन इतनी हाँ क्लियरली याद उनका नहीं है अटैक मुझे। हो रहे थे तो उसकी वजह से अपने जो भी लोगों को लोगों को सेव लेकर करना। आ गए थे द्वारका में। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और शेयर शेयर करें प्लीज लाइक। जरूर कीजिएगा। पिछली और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑलरेडी हम लोग बना भी चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो प्लीज वो भी जरूर जाकर देखिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना है, सो का बहुत ज्यादा शुक्रिया।